उड़ान, जिसका मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना का लाभ अब हिमाचल भी उठाने को पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि इस योजना में हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने का प्रावधान किया गया है, जिनमें से कसौली भी एक है। कसौली वैसे भी विश्व के मानचित्र पर पहले ही पर्यटन स्थल के रूप में अपनी जगह बना चुका है, लेकिन अब यहां हेली टैक्सी शुरू करने से उम्मीद की जा रही है कि पर्यटन व्यवसाय को मानो जैसे पंख लग जाएंगे। उड़ान योजना में हवाई टैक्सी का किराया इतना रखा गया है कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई सफर कर पाएगा। इस मौके पर सांसद वीरेंद्र कश्यप ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उड़ान योजना के तहत हिमाचल के 14 क्षेत्रों को हवाई टैक्सी के साथ जोड़ा गया है, जिसमें चंडीगढ़ से कसौली और कसौली से शिमला विशेष आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। उन्होंने कहा कि इस उड़ान योजना से हिमाचल के पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और हिमाचल को आर्थिक रूप से मजबूती भी मिलेगी। आपको बता दें कि चंडीगढ़ से कसौली और कसौली से शिमला सप्ताह में 3 बार उड़ान भरी जाएगी। एक बार में 11 लोग हेली सेवा का लाभ उठा पाएंगे। इस उड़ान सेवा के लिए महज 2480 रूपये खर्च करने पड़ेंगे। शिमला से उड़ान के नाम से जो है वो एक कार्यक्रम शुरू किया था हिमाचल प्रदेश में कि सारे भारतवर्ष में, और इस योजना के अंतर्गत आज गरीब से गरीब आदमी भी जो है वो हवाई जहाज के माध्यम से आवाजाही कर सकता है। और इस उड़ान के माध्यम से आज मुझे खुशी है कि लगभग हमारे हिमाचल प्रदेश के ही 14 ऐसे स्थान चयनित हुए हैं कि जो उड़ान की जो रीजनल कनेक्टिविटी को जो है वो जोड़ने का जो है वो पूरा प्रावधान किया गया है। इसमें जैसे चंडीगढ़ से कसौली और कसौली से फिर चंडीगढ़, इसी तरह से हमारे कुल्लू मनाली के लिए, शिमला के लिए, रामपुर नाथवा झाकड़ी के लिए, और इसी तरह के अलग अलग जो स्थान हैं उन स्थानों पर जो है वो हेलीकॉप्टर सेवाएं भी शुरू होंगी। अभी मैं कह सकता हूं कि इसका लाभ ये मिलेगा कि जो हमारे पर्यटक हैं, बाहर से जो पर्यटक आ रहे हैं, उनकी आवाजाही में भी काफी जो है वो नंबर बढ़ेगा और हिमाचल प्रदेश को भी उसका आर्थिक तौर से लाभ मिलने वाला है। इसके लिए मैं अवश्य तौर से अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।